नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दिबाई महिला चौकी की स्थापना को 3 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुई महिला इंचार्ज की तैनाती। महिला रिपोर्टिंग चौकी को महिला इंचार्ज का है इंतजार। दिबाई नगर में मौजूद महिला रिपोर्टिंग चौकी पर आने के लिए आखिर महिला चौकी इंचार्ज अंशुल मलिक ने अभी तक चौकी पर आना मुनासिब क्यों नहीं समझा, जबकि महिलाओं को प्राथमिकता और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए शासनादेश जारी किए गए हैं और कस्बे में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर महिला रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना की गई थी, लेकिन महिला रिपोर्टिंग चौकी इंचार्ज के बिना सूनी पड़ी हुई है। रिपोर्टिंग चौकी इंचार्ज आखिर क्यों चौकी पर आने से कतरा रही है? महिला रिपोर्टिंग चौकी की स्थापना होने पर क्षेत्र की महिलाओं में आशा की किरण जागी थी कि अब हमें इंसाफ दिलाने के लिए कोई महिला आकर हमारी समस्या सुनकर हमारे साथ हो रहे अन्याय पर अंकुश लगाएगी, लेकिन 3 महीने बीत जाने के उपरांत आज तक महिला इंचार्ज ने चौकी की सुध नहीं ली है। आखिर डिबाई महिला रिपोर्टिंग चौकी पर तैनाती होने के बाद भी अभी तक चार्ज नहीं संभाला है। सूत्र बताते हैं कि महिला इंचार्ज जिनकी तैनाती डिबाई में सुनिश्चित हुई है वो अभी भी बुलंदशहर भूड़ चौराहे पर ही डटी हुई है। मामला कोई भी रहा हो, लेकिन 3 माह से कस्बे की महिला रिपोर्टिंग चौकी बिना इंचार्ज के सूनी पड़ी है। महिला रिपोर्टिंग चौकी को कब तक बिना महिला इंचार्ज के रहना होगा, यह देखने वाली बात है। डिबाई से धर्मेंद्र लोधी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।